टिकट की चाह में अब बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने शुरू कर दिए हैं। अब सोनीपत जिला परिषद के उपाध्यक्ष विजेंद्र मलिक ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। विजेंद्र मलिक ने कहा है कि पार्टी की सेवा के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी की सेवा के लिए ही इस्तीफा दे रहे हैं और अगर उन्हें पार्टी मौका देती है तो गोहाना विधानसभा सीट जीतने का भी काम करेंगे। अपनी जिला परिषद में से जिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी जिला परिषद को टिकट देती है तो हम उसको तन मन धन से विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या आप टिकट मांगने के लिए ही आपने पद से इस्तीफा दिया है या और पीछे कुछ कारण है? नहीं, टिकट मांगने के लिए पद से इस्तीफा नहीं दिया है, कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण। तो बीएसपी पार्टी की तरफ से विधानसभा नारायणगढ़ से टिकट देने को लेकर हलके के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में रोष है और इस दौरान महामंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान महामंत्री ने कहा कि अगर पार्टी ने इस टिकट के बारे में पुनः विचार नहीं किया होता तो वो पार्टी से भी इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं अंबाला प्रभारी संजीव वर्मा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की को चिट्ठी लिखी है जिसमें विधानसभा के टिकट पर पहले विचार करने की मांग की गई। वहीं अब विधानसभा प्रभारी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो बड़ा फैसला लेकर पार्टी को भेजा जाएगा। ये जो बुलाई गई है आज मीटिंग, जो कार्यकर्ता सम्मेलन है सर्व समाज का, ये हाई कमान को ये एक अपील की गई है कि अपने इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए कि टिकट पे जो अधिकार है काम के हिसाब से और जो तन मन धन से उन्होंने इसकी सेवा की है पार्टी के साथ, जो पार्टी ने जो भी ड्यूटी लगाई है संजीव वर्मा जी की, उनसे कभी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरे बखूबी उसको निभाया है। जो संजीव वर्मा जी ने जिन लोगों को अलग बरादरी से, बीसी से, जनरल बरादरी से, कुछ भी जिनको भी जोड़ा है, उन सबकी यही अपील है बसपा हाईकमान से कि टिकट के अपने इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।